देखिए हम आए कबाड़ी वाले के पास दोस्तों। यहाँ पे एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का हर तरीके का स्पेयर पार्ट सेकंड हैंड में वो भी ओरिजिनल मिलता है। यहाँ पे देखो कंप्रेसर का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1000 कंप्रेसर है, 1.5 टन 2 टन 5 टन 10 टन सब तरीके का कंप्रेसर मिल जाएगा। फ्रिज का ये कंप्रेसर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए कंप्रेसर लेके आया है। वेलकम टू माई न्यू वीडियो दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ कंप्रेसर लाने के लिए सेकंड हैंड। तो मैं पूरा कबाड़ी का जो दुकान है वहाँ पे बहुत बड़ा कबाड़ी का दुकान है, तो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कहाँ पे ये कबाड़ी का दुकान, ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट्स नहीं मिल रहा मार्केट में तो वहां पे जाओगे तो 100% मिल जाएगा, और ओरिजिनल सामान मिलता है ना कि रिपेयरिंग वाला, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कंप्रेसर मुझे देगा सेकंड हैंड, वो भी कितने में, मात्र 700 रुपए में, ठीक है। तो आप लोग देखना ही कैसा है वो कंप्रेसर, और बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग भाई को सपोर्ट करो यार, तो कम से कम लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है। और चलिए दिखाते हैं आप सभी को वो कबाड़ी वाला का दुकान, क्या क्या सब मिलता है वहां पे, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आप सभी को। ये भाई उतर जाना, मेरे को उतर, अबे उतर जा। उतर ना। तो फाइनली हम जा रहे हैं दोस्तों एसी का कंप्रेसर लाने के लिए, जो कि मुझे जो सीजन होता है ना, गर्मी आता है ना, तो उसमें हम लोग प्रेशर डालते हैं ना, तो कंप्रेसर से डालते हैं ना कि नाइट्रोजन से। तो चलिए यहाँ का मैं थोड़ा मोटा नज़ारा दिखा देता हूँ, फिर मैं शॉप पे पहुँच के आप लोगों को वह वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो गाइज फाइनली हम आ गए कबाड़ी वाले के पास, और यहाँ पे देखो एसी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे ये एक एसी का फ्लैशिंग कर रहा है, और इसके अलावा दोस्तों देखिए सामने में यहाँ पे मेन रोड जा रहा है, तो ये गाजियाबाद है, तो होता है ना दोस्तों ये खोड़ा होता है ना वहाँ पे, ठीक है। तो खोड़ा वाला एड्रेस मैं लोकेशन बता दूंगा सभी को। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला कंप्रेसर मुझे देना है, और बदले में मुझे दूसरा कंप्रेसर लेना है जो कि 1 टन का मुझे चाहिए, क्योंकि भाई ओरिजिनल मिलता है यहाँ पे, और हमारे पास जो है वो रिपेयर वाला कंप्रेसर है। तो देखिए ये दोस्तों ये फ्लैशिंग कर रहा है, क्योंकि अब सीजन आ गया है, तो ये हो सकता है एसी बेचेगा, हो सकता है बेचने के लिए सही कर रहा हो ये, तो ये फ्लैशिंग कर रहा है। लेकिन फ्लैशिंग क्यों करेगा यार, अगर बेचना हो तो इसको, हो सकता है रेंट पे लगाएगा। तो ये फ्लैशिंग कर रहा है अपने ये एसी का, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो कितना सारा एसी, भर भर की एसी है ना। तो अभी मैं कंप्रेसर भी दिखाऊंगा, कंप्रेसर का पूरा ये चीज़ है। यहाँ पे पीसीबी भी मिलेगा आप सभी को, और फ्रिज का भी कंप्रेसर मिलता है यहाँ पे, हर जो भी आएगा ना फ्रिज का या फिर एसी का हर चीज़ मिलेगा, वॉशिंग मशीन का भी मिल जाएगा। तो देखिए इन्होंने ये कंप्रेसर ला के दिया है, बट ये वाला कंप्रेसर हम नहीं लेंगे, दूसरा कंप्रेसर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रिज का कितना सारा कंप्रेसर है ना, बहुत सारा कंप्रेसर यहाँ पे सेकेंड हैंड मिल जाएगा, जो कि ओरिजिनल होता है ना कि रिपेयर वाला कंप्रेसर। तो आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ से सामान ले सकते हो, जो भी अगर नहीं मिलता है ना कई बार मार्केट में, तो ये यहाँ से आके ले सकते हो, ठीक है, और सस्ता भी होता है। आपको जो मोटर होता है विंडो एसी का, जो कि नया में 2200 रुपये का 2500 का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा कितने में, 500 रुपये का मिलेगा ओरिजिनल वो भी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कंप्रेसर का टाल लगा हुआ है, देखो यहाँ पे अनगिनत कंप्रेसर है, कितना सारा कंप्रेसर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहीं से हम कंप्रेसर लेने आए, वो जो कंप्रेसर लेके आया था ना वो थोड़ा बेकार था, तो नहीं लिया हमने, अब खुद से देख करके यहाँ पे हम कंप्रेसर लेने वाले हैं। तो हमें इन्होंने कंप्रेसर दे दिया, अब ये हमें चेक करके दिखा देगा। तो देखो ये कंप्रेसर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये कंप्रेसर ओरिजिनल है, तो अभी ये चला के हम लोगों को दिखाएगा कि ये चल रहा है कि नहीं, और वारंटी वगैरह कुछ नहीं देता है, क्योंकि ये 700 रुपये का देता ही है। अब बदले में आपसे कंप्रेसर लेगा, अगर मान लो आप कंप्रेसर नहीं दोगे तो कितना रुपये लेगा वो मालूम है, 2000 रुपये लेगा अगर कंप्रेसर नहीं दोगे तो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों हमने अपने शॉप पर आ गए हैं, अब यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं क्या, उठाने के लिए, जैसे होता है ना कि सीजन में उठाने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो पकड़ने वाला हम बना रहे इसमें। तो ये 32 सेट से हम इसमें लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे बीच में ना हम कॉपर का रॉड लगा दिए यहाँ पे हम। तो ये कंप्रेसर हमें 700 में दिया है, बदले में हम अपना कंप्रेसर दिया है जो कि आपने देखा होगा वीडियो में, पुराना टाइप का था रिपेयर वाला। और आप लोग चाहे तो अपने एसी में भी लगा सकते हो यहाँ से, एसी कंप्रेसर खरीद करके, जो कि सस्ते में मिलता है, और नया जाओगे तो पता ही आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का आता है। 10 हज़ार रुपये कहाँ से लाओगे, कस्टमर का भी फायदा टेक्नीशियन का भी फायदा, आप 700 मिल जाओ कस्टमर को 5000 मिला दो, कस्टमर भी खुश और टेक्नीशियन भी खुश, तो टेक्नीशियन का भी बहुत प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा है, पिन वॉल लगा करके उसके बीच में एक और हाफ का पाइप लगा दिया, ताकि कंप्रेसर गिरे ना तो पिन वॉल ना टूट, सेफ्टी के लिए। जबकि अगर आप लोगों को लगाना हो ना, तो एसी का इनडोर का जो यूनियन होता है ना
क्वार्टर का वो लगा देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, टेक केयर।